गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज स्पीडी सिंह एंड एक बार फिर से हम आ चुके हैं व्हील्स अप। लास्ट टाइम आपने जो वीडियो पे सपोर्ट दिखाया दैट वाज इमेंस एंड वी लव्ड दैट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज हम अगेन कुछ स्पेशल करने वाले हैं क्योंकि जो आजकल अलॉय व्हील्स है, कह सकते हो डीप अलॉय व्हील्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, कॉनकेव व्हील्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो उसी के ऊपर आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए व्हील्स हब की तरफ से। सो यस, क्या करने वाले हैं वो वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, प्लस टाइटल एंड थंबनेल से आपने थोड़ा सा जज कर लिया होगा, तो वही चीज़ अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलते हैं अंदर एंड अगेन पेरिस भैया से मिलते हैं। क्या हाल है भैया? और साथ में जयदीप भैया भी आज हमारे, पिछली वीडियो में नहीं थे। क्या करने वाले आज हम? चलो नीचे चलेंगे, दिखाते हैं। नीचे चलेंगे, चलो। ओके, सो हम आ चुके हैं वापस से बेसमेंट पे एंड यहाँ का जो स्टॉक है ऑलरेडी हम एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। यूजुअली जो व्हील्स हब पर आपको अलॉयज मिलेंगे वो जो है 17-18 से लेके 26 इंचेस तक मिलते हैं, जो मेनली सेलिंग है, बाकी से नीचे भी मिल जाते हैं। तो आज हम क्या स्पेशल करने वाले हैं पेरिस भैया? आज दो गाड़ियां हम रेडी कर रहे हैं जिसमें से हम दोनों गाड़ियों में फ्यूल डाल रहे हैं, एक थार है और एक वाइट रूबिकॉन है। एक में हम चल रहे हैं 22x12G, एक में 24x12G। 24x12G ठीक है, दोनों व्हील्स 12G हैं। 12G हैं, बस एक साइज 22 है, एक 24 है। एक नई चीज़ इसमें क्या है कि इसमें 24 वाले में जो टायर आज फिट हो रहा है वो इंडियंस फर्स्ट है, जिसमें 33, 12.5, 24 फिट है। ठीक है, तो इसकी ऑथेंटिकेशन है 100% फर्स्ट है। फर्स्ट है, आप चेक करो, आप जहाँ मर्जी इसको ढूंढो, गूगल पे कहीं भी, कहीं आपको टायर नहीं मिलेगा एम्प्टी टायर लो प्रोफाइल में। गूगल पे जब होगा, गूगल पे और टायर दिखाते हैं। जैसे कि ये तो आपने साइज पहले देखा होगा, हम 5 गाड़ियों में फिट कर चुके हैं, 33, 12.5, 22। ये रोड क्रूजर का है, अभी नया आया है, पहले हमने जितने करे हैं रिवो किया है। ये टायर है जो इंडिया फर्स्ट डल रहा है, जिसमें कि आपको 24 इंचेस में लिफ्ट किट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर कार्स में जिसमें भी आपको एम्प्टी टायर डालना है, जो पहले आता है 24 इंच में, उसमें क्या होता है आपको 4-5 इंच गाड़ी लिफ्ट करनी पड़ती है। ये फर्स्ट ऐसा टायर है जिसमें आपको विदाउट लिफ्ट किट आप फिट कर सकते हो। ठीक है, ये पहली गाड़ी है, अभी आपको बाकी देखोगे आप गाड़ी कैसी लग रही है। बिल्कुल, फर्स्ट थार होगी इंडिया की, सॉरी रूबिकॉन। ठीक है, पहले हमने स्कॉर्पियो करी थी, स्कॉर्पियो भी थी, वो भी इंडिया फर्स्ट थी और है अभी तक, दूसरी कार अभी तक फिट नहीं कर पाया कोई। तो ये चीजें आज हम फिट करने वाले हैं एंड रूबिकॉन और थार में दोनों अगर हम बाइफरकेट करके चले तो स्टॉक व्हील्स कितने कितने साइज के आते हैं? व्हील्स जैसा कि दोनों में सेम साइज ही है, जैसे रूबिकॉन में 17 इंच आता है, बट जो हम रूबिकॉन कर रहे हैं वो सहारा है, रेंगुलर सहारा। ओके, इसमें 18 इंच आता है, सेम ही थार में है, उसमें भी 18 इंच आता है। ठीक है, तो हम 4 इंच अप्रॉक्स लगा लो आप, उसको हम अप कर रहे हैं, कर रहे हैं 6 इंच इसको कर रहे हैं। ठीक है, एंड अब अपसाइजिंग 4 इंचेस एंड 6 इंचेस हो रही है दोनों कार्स के अंदर, तो ड्राइविंग में कितना फर्क आएगा? एंड शॉक एक हद तक ठीक है, राइट, पिछली बार भी हमने बात करी थी, प्रैक्टिकल कितना है? प्रैक्टिकल ऐसा है, इसको आप प्रॉपर ऑफ रोड नहीं कर सकते हो, बस बाकी आप इसको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे एम्प्टी टायर के लिए सस्पेंशन बनी हुई है दोनों कार्स की, क्योंकि थार बेसिकली ऑफ रोड कार है, जैसा कि देखो स्टिफ सस्पेंशन है, नॉट फॉर सिंपल रोड। ठीक है, उसको ऑफ रोड नहीं, तो इसीलिए हमने टायर इसमें एम्प्टी ही रखा है। ओके, 22 में भी और 24 में भी इस बार तो एम्प्टी है, पहले जो हमने कार्स फिट करी उसमें सब में एचटी है। ठीक है, अभी इसमें भी 24 है। एम्प्टी एंड एचटी क्या फर्क है? फर्क होता है एचटी टायर होता है फॉर हाईवे टेरेन। ठीक है, हाईवे टेरेन, उसके बाद आता है ऑल टेरेन, 80 टायर जिसको हम कह देते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर जो गाड़ियों में आपको 20 इंच तक दिखता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एम्प्टी टायर मड टेरेन, जैसे जो लोग ऑफ रोडिंग के लिए यूज करते हैं कार को, आपको बर्फ पे यूज करते हैं, जिन्होंने बार बार जैसे आजकल और किसी को शौक है कि गाड़ी लें और लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, मजे से ऑफ रोड टाइप करें, अब गाड़ी लिए इसीलिए लिए, तो उसके लिए एम्प्टी टायर फिट रहता है, जिसमें आपको रास्ते में कहीं खड़ना नहीं पड़ता। बाकी इधर आप रेंज देख सकते हो पेरिस भाई, अगर हम 24 इंचेस या 22 इंचेस में और कोई रेंज देखना चाहें, हमें इसमें नहीं जाना, तो कौन सा रेंज? जैसे 22 इंचेस में है, ये सारी बीच वाली रेंज आपकी 22 इंचेस है। ठीक है, तो जो आपके ऊपर हैं वो 20 है, नीचे भी सबसे 20 है। ओके, उसके बाद 24 इंचेस की बात आती है, उसमें कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं आती है, जैसा कस्टमर का टेस्ट होता है उस हिसाब से हम उनसे मंगवा देते हैं। ठीक है, वो ऑन ऑर्डर रहता है, रहते हैं, मतलब 5-6 रिम जो कि जेन्युइन चलते हैं सारे, मतलब थोड़े कॉमन होते हैं, वो रेडिली स्टॉक हो जाते हैं। जैसे ये फ्यूल है, ये ऑन ऑर्डर ही आता है, क्योंकि शॉर्टेज ही रहती है, प्रीमियम सेगमेंट है, हर कोई इतने पैसे नहीं खर्चता है, 5-5.5 लाख रुपये हर किसी के खर्च में हुए, तो इसीलिए फिर वो ऑन ऑर्डर रहते हैं, जब कस्टमर ऑर्डर करता है उसके 15-20 दिन में हम उनको प्रोवाइड करा देते हैं। ओके, एंड जैसे ये फ्यूल है, इसके अलावा कोई और ब्रांड जो ऐसे व्हील्स बना रहा है?
सारे हैं, तीन ब्रांड हैं बेसिकली जो आपको नॉर्मली दिखेंगे, जिसमें सबसे ऊपर है फ्यूल और ब्लैक राइनो, दोनों अमेरिकन व्हील्स हैं। ऐसा ही इनका एक अमेरिकन रेसिंग व्हील्स के नाम से ब्रांड आता है, जो कि डीप डी रिम बनाता है कॉलर टाइप, जैसे ये डीप है ये सीधा कॉनकेव जाते हैं, वो कॉलर रिम्स बनाता है। क्रोम ने ज़्यादातर उनके रिम्स आपने देखे होंगे जीप रूबीकॉन में कनाडा में एंड यूएस में। ठीक है, अभी जो रिम है ये भी यूएस और कनाडा में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। अभी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल रहा है वो आपको दिखाएंगे हम, और भी हमने गाड़ियाँ करी है। वो आपको कहाँ मिलेगा? इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम व्हील्स अप पे आपको देखने के लिए हर चीज़ मिल जाएगी, तो वहाँ पर जरूर फॉलो कर लेना। तो ये करवाते हैं फटाफट से फिट, थोड़े से फिटिंग के मैं आपको शॉर्ट्स भी दिखा देता हूँ, एंड देन कार कैसी लग रही है वो दिखाता हूँ। ओके, सो दोनों कार्स जो है वो रेडी हैं अब, एंड इसमें डालिए 22 इंचेस, उसमें डालिए 24 इंडिया अभी फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट है ये। अभी थोड़ा क्लोज अप व्यू भी आपको दिखाएंगे। अलॉय नहीं फर्स्ट है, गलत मत लेना ना, बाद में कमेंट करते रहो नीचे नहीं फर्स्ट नहीं है ना, टायर फर्स्ट है विद एम्प्टी टायर, फर्स्ट कार है। ठीक है, तो ये है रूबीकॉन और ये है थार। अब आज पास थोड़ा मैं चाहता हूँ ताकि मैं आपको एक क्लोज अप व्यू दिखाऊँ कि कार के अलॉयज कैसे लग रहे हैं। सो दिस इज 22x12J एंड ये है मैट फिनिश के, ये सैटिन ब्लैक विद मशीन्ड फेस है, साइड मिलिंग कहते हैं इसको हम, -44 ET है इसमें, जो डेप्थ को है बेसिकली -ET कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ज्यादातर लॉय में जो अपने इंडिया में आते हैं सब +ET होते हैं, ज्यादा होते भी हैं तो -5 -10। ET आपका हो गया हब सेंट्रिक, राइट? हब सेंट्रिक, डेप्थ कितनी है? ठीक है, तो आ जाओ और पास आ जाओ आप। पैरिस भाई, इसमें टायर कौन सा यूज़ करें? टायर इसमें 33 12.5 R22 है। ठीक है, अरीवो, एंड उसमें 33 12 R24 जो कि इंडिया फर्स्ट है, जो इतना लो प्रोफाइल एम्प्टी टायर डाला है। पहले कार्स में ज़रूर डाले हैं, दो सेट मैंने 24 इंचेस, एक दो और कहीं जगह डाले हैं, बट सब में HT टायर्स के साथ फिट हुआ है। ये फर्स्ट एम्प्टी टायर्स है लो प्रोफाइल जो अपने इंडिया में फिट हो रहा है। ठीक है, कनाडा उधर चलते हैं, रूबीकॉन की बात करते हैं। रूबीकॉन इसमें जो लिखा हुआ है बेसिकली इसका पैटर्न का नाम है। वैसे ये गाड़ी सहारा अनलिमिटेड है HT टायर्स वाली जो आती है, जिसमें HT टायर्स कंपनी लगते हैं। इसकी सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ कम होती है कंपेयर टू रूबीकॉन। इसमें हमने 24x12 R यूज़ किया है -44 ET के साथ, जिसमें फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट कह सकते हैं इसको हम, एम्प्टी टायर जिसमें लो प्रोफाइल का यूज़ हुआ है। ओके, इसका साइज़ क्या है एम्प्टी टायर का? सेम 33 12.5 R24 बस वो 33 12.5 R22 है, ये 33 12.5 R24 है, जो कि इंडिया में पहली बार आया है, और इसको हम मतलब लगा लो आप इंडिया फर्स्ट सिटी हो जाएगी मोहाली। एंड इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है ये थोड़ा ग्लॉसी ब्लैक में है, ग्लॉस ब्लैक, ठीक है, और ये वाला जो है ये सैटिन ब्लैक में है। दोनों कार्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा बल्की फील दे रहा है। एंड देखो ये है शौक की बात, अगेन वही वाली बात रहती, जब हमने 26 डाले थे तब भी हमने बोला था कि प्रैक्टिकल नहीं है, बट शौक की बात जाती है वहाँ पर, क्या कहते हो आप? नहीं यूज कर सकते ना, जहाँ शौक है शौक है। अब जब गाड़ी देखो यार, दोनों यार जीप है ना, दोनों को अगर आप देखो उसके 18 लाख वर्थ नहीं है, इसकी 70 लाख वर्थ नहीं है, बट लोग शौक के लिए लेते हैं। बिल्कुल, एक अपनी सबकी पसंद होती है, सब कुछ है, समझ रहे हो? ऐसे ही है, अब दोनों पे इतने पैसे लगे हैं, मैं पैसे नहीं बताऊंगा आपको वीडियो में, नहीं तो आपको मजाक कर रहा है, बट ठीक ठाक पैसे लगे हुए इन दोनों गाड़ियों पे। बात कर लेते थोड़ा अप्रोक्स कॉस्टिंग की, ज्यादा नहीं, अप्रोक्स लगा के चलो, अगर आप 22 इंच विद एम्प्टी टायर जाते हो 4+ बजट रहता है, और अगर आप 24 इंचेस विद एम्प्टी टायर जाते हो तो 5+ रहता है। ठीक है, एग्जैक्ट 5+ और 4+ डाउन चलता रहता है, बिकॉज बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, डॉलर का रेट रोज ऊपर नीचे होता है, उस हिसाब से रेट्स होते हैं, कोई फिक्स रेट नहीं होता इनका। तो जब भी आपको चाहिए आप ऑन ऑर्डर मंगवा सकते हो, रेडी स्टॉक नहीं मिलता है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, लोग आ जाते हैं बाद में कहते हैं जी आपका मिला नहीं, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ऑन ऑर्डर आते हैं। एंड ये फ्यूल ऑथेंटिक है, ओरिजिनल फ्यूल, यू कैन स्कैन इट, तो बार कोड ऑन अलॉयज, तो आप चेक कर सकते हो उसको जब भी आप आओगे। ओरिजिनल फ्यूल बॉक्सेस, ओरिजिनल फ्यूल बार कोड्स, लोग इसको आजकल स्टिकर्स लगा के बेचते हैं, वो हम नहीं बेचते ना। तो ये थी आज की वीडियो, एंड अगर आपको ये दोनों व्हील्स चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली विजिट व्हील्स हब, दैट इज लोकेटेड इन मोहाली एरो सिटी। लोकेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, एड्रेस क्या है? एरो सिटी एफ ब्लॉक में, DSS 71 मोहाली सिटी सेंटर, न्यू मार्केट बनी है बिल्कुल एयरपोर्ट चौक से जस्ट 100 मीटर्स पहले। अगर आप राजपुरा साइड से जाते हैं
अगर आप मोहाली साइड से आ रहे हैं तो आपको चौक क्रॉस करके यू टर्न लेना पड़ेगा लाइट से, पहली लाइट से। बिल्कुल। एंड जो फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, दे देंगे, अभी बोलना नहीं चाहते। एंड पूरी वीडियो में भी पॉपअप हो रहे होंगे। सो ये जो वीडियो है, दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू के यार हम फ्यूल कॉन्ट्रा ही दिखा रहे हैं, बहुत सारे ऑल व्हील्स भी अवेलेबल हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग व्हील्स देख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आपने इस वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा इंजॉय करा होगा। एंड जो लोग आप कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं कि आपने ऑफ रोडर का क्या करा है, तो भाई दिस इज ऑल रिलेटेड टू के आपका शौक क्या है एंड इट डिपेंड्स, इट्स सब्जेक्टिव, टोटली सब्जेक्टिव कि आपको अपनी गाड़ी के अंदर कैसे व्हील्स लगाने हैं, कैसी लुक देनी है, इट्स टोटली सब्जेक्टिव। तो यस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस कि आपको इन दोनों कार्स की लुक कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो फटाफट से एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, एंड कॉमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता देना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करके जाना एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। So with this, meet you soon in the next video. Till then, this is Speedy saying with Wheels Up, signing off.